हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज हम व्रत के लिए स्पेशल बनाने वाले हैं सिंघाड़े के लड्डू। तो यहाँ पर देखिए, हमने कुछ और भी रेसिपी बनाई है। ये हमने बनाई सिंघाड़े की बर्फी और ये बनाए हैं तिल के लड्डू। ये खास आज के व्रत के लिए हम बना रहे हैं, जो आज का हमारे यहाँ यूपी का फेमस व्रत है सकट का। तो हम इसी के लिए ये रेसिपी हमने बनाई है और आज हम इसके बाद बनाएंगे यहाँ पे सिंघाड़े के लड्डू। तो सिंघाड़े के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम सिंघाड़े का आटा। और जब हमने ये बर्फी बनाई थी तभी एक साथ ही हमने इस आटे को भी भून लिया था। तो ये हमारा भुना हुआ आटा है और आप एक बड़े चम्मच घी डाल करके इसको अच्छे से इस तरह से ब्राउन कलर का होने तक भून लीजिए। और उसके बाद हमको चाहिए, जितना हमने सिंघाड़े का आटा लिया उतना ही हमको गुड़ चाहिए। तो गुड़ को हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे हमको चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने कुछ काजू लिए हैं, कुछ किशमिश ली है और एक बड़े चम्मच हमने यहाँ पे सौंठ लिया है। सौंठ का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहते हैं इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। एक बड़े चम्मच हमने यहाँ पे घी लिया है और घी से लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और ये आधी कटोरी हमने लिया है नारियल, जो हमने घर पे किस के इसको तैयार किया है। तो इस तरह से इतना हमको सामग्री चाहिए इसको बनाने के लिए। तो ये आटा ठंडा हो चुका है तो इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे अभी। तो हमने रख दी है यहाँ पे कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे ये गुड़ डाल लेते पहले। सबसे पहले गुड़ हमारा थोड़ा सा पिघलने लगेगा तो हम इसमें आटा डालेंगे ताकि हम लड्डू अच्छे से बना सकें। इसमें हमको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो हम इसमें डाल देते हैं आटा, सिंघाड़े का आटा। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटे और सिंघाड़े को, सॉरी सिंघाड़े और गुड़ को। तो बस थोड़ा सा ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो नहीं तो लड्डू हमारे एकदम सख्त बन जाएंगे फिर। तो हम इसको बस मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो गुड़ है और सिंघाड़े का आटा है दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ये घी। आप चाहे तो पिघला के डाल सकते हैं, नहीं कढ़ाई हम डाल देंगे तो ये वैसे भी गर्म हो जाएगा इस तरह से। और एक बड़े चम्मच घी आप पूरा इसमें डाल दीजिए। तो ये देखिए, हमने सारा घी डाल दिया जो हमने पैन में रखा हुआ था। और गैस की फ्लेम हमको अब बंद कर देनी है। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर सौंठ का यूज कर रही हूँ। तो एक चम्मच हमने यहाँ पर सौंठ डाल दी है और अब हम डालेंगे इसमें ये नारियल और ये ड्राई फ्रूट्स। तो सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा गर्म है तो आपको इस तरह गर्म गर्म ही मिक्स करना है और इसके गर्म गर्म ही लड्डू बनाने हैं। काफ़ी गर्म है, आपको थोड़ा सा अपने हाथों को बचा के करना है। आप चाहे थोड़ा ठंडा भी कर सकते हैं, ठंडा करेंगे तो आपको घी इसमें और डालना पड़ेगा फिर। और आप इनको पूजा के लिए बना सकते हैं, व्रत में खाने के लिए बना सकते हैं। पूजा के बाद हम इसी को फिर खाते भी हैं, तो इसलिए हम बहुत ही टेस्टी लड्डू ये बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ठंड के सीजन में तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए, हम लड्डू को इस तरह से छोटे छोटे गोलियों में, आप चाहें तो दोनों हाथ से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं क्योंकि हमने इसमें घी अच्छे से डाला हुआ है। और घी डालने से ये लड्डू बहुत अच्छे से बनते हैं। ये देखिए, इस तरह से लड्डू बनाने हैं आपको। और बहुत ही आसान है रेसिपी, कुछ भी नहीं करना, बस आटे को भूनना है और सब चीज़ें मिक्स करके, घी मिक्स करके आप इसको बना लीजिए, फटाफट से बन जाते हैं। और
किसी भी व्रत में आप इसको बना सकते हैं, कभी भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम सारे लड्डू अपने बना लेते हैं इसी तरह से। तो ये देखिए हमने सारे लड्डू बना लिए हैं और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की हमारी सारी स्पेशल रेसिपी बन चुकी है जो हम आज की पूजा में बनाने वाले थे। और यहाँ पर देखिए हमने इसमें सिंघाड़े के लड्डू बनाए हैं, ये सिंघाड़े की बर्फी बनाई है और ये कुछ तिल के लड्डू भी बनाए हैं। तो ये सारी आज की जो पूजा है तो उसी में लगने वाले हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, रेसिपी अच्छी लगे तो। मैंने इसका भी वीडियो डाल दिया है और अपलोड कर दिया है और आप इसको भी देख सकते हैं सिंघाड़े की बर्फी को कैसे बनाएं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप इसको चाहे तो थोड़ा सा नारियल के टुकड़े से इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, इस तरह से देखने में अच्छा लगता है ये। तो आज की हमारी स्पेशल रेसिपी बन चुकी है। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।